You can watch this video with English audio on my alternate channel youtube.com/careermasterchannel. Welcome to my channel. मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम youtube.com/mdmudassiralam पर मैं आपके साथ CUET 2022 के लगातार अपडेट्स लगातार जानकारी शेयर करता रहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको एक पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही साथ कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले CUET की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं cuet.samarth.ac.in, यहां पे आपको पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिलती है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो को प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के पेज को देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं डिग्री प्रोग्राम्स कोर्सेज ऑफर्ड डोमेन जनरल ऑप्शन लैंग्वेज मैप टू द प्रोग्राम्स एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम्स। यूजी के लिए बीए संस्कृत के लिए संस्कृत फ्रॉम सेक्शन 2 आपको चूज करना, सिर्फ एक ही लैंग्वेज चूज करना। इसी तरह से यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शास्त्री बीए संस्कृति चूज करना है आपको, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स अगर आपको करना है तो ये सारे डोमेन सब्जेक्ट चूज करने, ये ऑप्शन या इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर आप बायोलॉजी से तो बायोलॉजी चूज कीजिए, अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो मैथमेटिक्स चूज कीजिए। बीएफए स्कल्पचर में, बीएफए फाइन आर्ट्स आपको चूज करना है, डोमेन सब्जेक्ट में पेंटिंग में भी बीएफए फाइन आर्ट्स चूज करना है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप चेक कर इस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इस पेज की लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, इसे आप क्लिक कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि CUET के रिगार्डिंग कोई भी नई जानकारी मैं चैनल पर अपलोड करूं तो उसे आप मिस ना कर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।